डियर फ्रेंड्स, आरसोस का क्वेश्चन पेपर है ये, जो 17 अप्रैल 2018 को हुआ था। ये 2018 का पेपर है, 328 कोड है, साइकोलॉजी का पेपर है, मनोविज्ञान बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में। चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरह 2018 के, 2019 के आपको सारे क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो पहला आया था, एकोमोडेशन एंड डैश आर टू क्यूज नॉट एमेंटिंग फ्रॉम द रेटिनल इमेज। आपको बताना है इसको कन्वर्जेंस है या डबल इमेज है या बाइनोकुलर डिस्पेरिटी है या फिर मोलिकुलर क्यू है। इसको हिंदी में आपको पढ़ना है तो इसका हिंदी वर्जन यहाँ पर है। मैं केवल इंग्लिश वर्जन पढ़ रहा हूँ आपके लिए, आप बाद में इसका हिंदी वर्जन आराम से देख करके पढ़ सकते हैं। दूसरा है, बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक आर यूज टू मॉडिफाई फॉल्टी बिहेवियर थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट। दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इसके चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना था। अब इसके बाद में आ जाइए, इसका जो इंग्लिश वर्जन है आपका, द एबिलिटी टू मोनिटर वंस आवन अदर्स फीलिंग एंड इमोशंस टू डिस्क्रिमिनेट अमोंग दैम एंड टू यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तीसरा जो है आपका क्वेश्चन है उसका हिंदी वर्जन यहाँ पर आपके सामने है। अब इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, वाइल वॉकिंग इन द फॉरेस्ट आई सडनली हियर ए हिजिंग साउंड, माई हर्ट बीट इंक्रीजेज, ब्रीथिंग बिकम शॉर्ट एंड रैपिड, पुपिल्स डिलेट एट्सेट्रा। दिस इज़ ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ। कौन सी चीज़ एक्टिवेट हुई होगी, तो ये हुआ होगा, आपको ये बताना है जंगल से गुजरते समय। ठीक है, अब आ जाइए पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वेयर वन बिकम कंसर्न्ड अबाउट वंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड माइट फेस क्राइसिस ऑफ जेनेटिवली वर्सेस स्टेंग नेशन। तो इसमें चार ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट करना है। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पर दे रखा है कि विकास की उस अवस्था की पहचान कीजिए जिसमें कोई समाज के प्रति अपने योगदान की चिंता करने लगता है तथा उत्पत्ति बनाम ठहराव के संकट का सामना करता है। अब आ जाइए छठे, सातवें, आठवें क्वेश्चन पे फटाफट। व्हाट आर द यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, एक्सप्लेन एनी टू। सातवां क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस। आठवां क्वेश्चन है, हाउ डू वी फॉर्म इम्प्रेशंस अबाउट अदर्स, एक्सप्लेन। नौवां क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन द सब्जेक्टिव एंड मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। दसवां क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन आइडेंटिटी क्राइसिस फेस्ड बाई एडोलसेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाइए आपका जो 11वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स यूज बाई साइकोलॉजिस्ट टू मेजर मेमोरी, एक्सप्लेन करना है आपको। 12वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनवायरनमेंट साइकोलॉजी, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। 13वां क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ अटेंशनल प्रोसेसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर परसेप्शन। 14वां क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। 15वां क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन ओल्ड एज। 16वां क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपोजियल बिहेवियर एंड एंटी सोशल बिहेवियर। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन है आपका, डिस्कस हाउ हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स टू लीड ए हेल्दी लाइफ। हिंदी वर्जन में आप इसके क्वेश्चंस पढ़ लेना। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन टू अप्रोचेज यूज इन स्टडिंग डेवलपमेंट। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैस्लोव्स हर्चरी ऑफ नीड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। 20वां क्वेश्चन है, डिस्कस एनी थ्री अप्रोचेज बेस्ड ऑन बिहेवियर थेरेपी टू मॉडिफाई बिहेवियर और गिव एग्जाम्पल
टू सपोर्ट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द फोर लोब्स ऑफ द सेरिब्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्लेन। 22वां क्वेश्चन है, डिफाइन साइजोफ्रेनिया एंड इट्स टाइप। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन है, हाउ आर द थ्री इम्पोर्टेंस थ्योरी ऑफ इमोशंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिस्कस। इसके बाद में 24वां क्वेश्चन है, डिस्कस द डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 25वां क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स दैट इंक्रीज हेल्थ रिस्क एंड शुड बी अवॉइडेड। उसके बाद में सेक्शन बी में ऑप्शन वन में आया हुआ है, वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है, कार्य जगत। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लोरेटरी स्टेज ऑफ वोकेशनल डेवलपमेंट। इसके चार ऑप्शन हैं, इनमें से आपको एक सही बताना है। अब आ जाइए, वाई डू पीपल अनेबल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व एंड एज ए रिजल्ट फील फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ, डिस्कस। 28वां क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल डिस्कस एनी टू कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज टू डील विद स्ट्रेस। 29वां क्वेश्चन है, व्हाट सजेशंस वुड यू गिव टू ए फ्रेंड टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। 30वां क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल अंडर स्ट्रेस फॉल इल, हाउ डज इट इफेक्ट द इम्यून सिस्टम, डिस्कस। इसका जो ऑप्शन नंबर टू है, विकल्प नंबर टू, इसमें आ गया प्रारंभिक शैशवकालीन शिक्षा का सुगमीकरण, फैसिलिटेटिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो 26वां क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में आया था, आइडेंटिफाई द क्वालिफिकेशन दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए टीचर एट द प्ले सेंटर। इसके चार ऑप्शन हैं, इसमें से आपको बताने हैं कौन सा सही है। इसके बाद में आ जाइए, 27वां क्वेश्चन है, वाई डू यंग चिल्ड्रेन नीड टू अटेंड ए प्ले सेंटर, डिस्कस। और 28वां क्वेश्चन है, डिस्कस एनी फोर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट मेथड सो दैट द केयर गिवर एंड पेरेंट कैन वर्क टूवर्ड्स ए कॉमन गोल, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। इसके बाद में जो आपका 28वां क्वेश्चन तो आपने देख लिया, उसके बाद में आ जाते हैं हम 29वें क्वेश्चन पे, डिस्कस विद एग्जांपल एनी फोर प्रिंसिपल टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्लानिंग प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन अंडर 5। और 30वां क्वेश्चन है, हाउ डज वन ऑर्गेनाइज द स्पेस फॉर अदर एक्टिविटीज व्हाइल प्लानिंग द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ ए प्ले सेंटर, डिस्कस। तो ये था साइकोलॉजी का पेपर जो आपका 2018 अप्रैल में हुआ था। और 2019 का पेपर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।